पिछले जमाने में जितने गुरुद्वारे नहीं सन होंदे, ना ही इतना धर्म प्रचार होंदा सी, पर उन्हां उत्ते गुरबाणी दा बड़ा जबरदस्त असर होंदा सी। अजकल ये असर क्यों नहीं हो रहा? कारण यह है कि पिछले जमाने धार्मिक प्रचारक जिहड़े सन वह अपने फर्ज नूं समझदे सन, जिहड़े जगियासु सन गुरुद्वारे आके लाहा लैण वाले, संगत विच आके लाहा लैण वाले, आत्मक जीवन जीवन वाले, वह अपने फर्ज नूं समझदे सन ते उस प्रणाली दा इस्तेमाल करदे सन जो गुरु नानक पातशाह ने सानू बख्शी है। सो अज भी जे प्रचारक अपने फर्ज नूं समझन ते जगियासु अपने उद्यम नूं समझन ते प्रणाली भी उही इस्तेमाल करिए जो पुराने जमाने इस्तेमाल हुंदी सी, तां साडे जीवन विच भी उसे तरह दा असर हो सकदा है गुरबाणी दा। सो साडे प्रचारकां दा की फर्ज बनदा है? संगत तो लाहा लैण लई जगियासुआं दा की फर्ज बनदा है? वो प्रणाली केड़ी है जिहड़ी गुरु नानक पातशाह ने चलाई सी? इन्हां सवालां दा जवाब अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच दित्ता गया है। इस तों इलावा उन्हां जगियासुआं दी कमी भी इस लेख विच दर्शाई गई है जिहड़ी ये शिकायत करदे हन कि सानूं गुरमुख प्यारियां दी संगत विच आंदियां कई अरसा हो गया है, पर जिहड़ी गुरबाणी विच दाता दसियां हन प्रेम सुपना दियां उडारियां, प्रेम रस रंग, वह तमाणियां नहीं माड़ी मोटी शांति मिली है। सो यह भी जगियासु दे अंदर एक कमी है, उस कमी का जिक्र भी अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच है। आओ प्यार नाल सरवण करिए। इस लेख दे पहले भाग विच प्रचार करन दे साधना दी विचार खोल के कीती गई है, पर यह साधन त्रै गुणा विच शरीरक, मानसिक ते बुद्धिमंडल ताई सीमित हन। इस तों अगे आत्मक मंडलां विच प्रचार दी प्रणाली होरवें है, जिस दी बाबत इस दूजे भाग विच विचार कीती जांदी है। यह धर्म प्रचार दा भाग दूजा लेख है। विज्ञानियां ने सिद्ध कर दिता है कि दृष्टमान संसार इलाही हुक्म या कवाब तो उपजा ते चल रहा है, जिसका मतलब यह है कि ख्याल जां चितवनी ही मुढ़ली शक्ति जां बीज है। ख्यालां दे तीबर तीखण ते कागर होण नाली इन्हां ख्यालां में शक्ति उपजदी ते वधदी है, जिसनूं मानसिक शक्ति कहा जांदा है। इसे तीबर मानसिक शक्ति नूं ही हिपनोटिज्म या मैसमेरिज्म भी कहिंदे हन। किसी दी माड़ी नज़र लगनी तां मन्नी जांदी है, यह भी तीबर साड़े दी शक्ति दा ही प्रगटावा है। इसे तरह ज्यों ज्यों साड़ी बिरती किसे नुक्ते ते कागर होंदी जांदी है, त्यों त्यों साडे मन दी शक्ति तीखण होंदी जांदी है। इसे तरह सिमरन करदिया होया जद मन कागर होंदा है तां मन दी शक्ति इतनी वध जांदी है कि कुदरत दे साधारण नियमां ते भारू हो जांदी है, ते इस शक्ति द्वारा वरसराप जां वाक सिद्धि दे अचंभे देखे जांदे हन। इह दामनक शक्ति मन की कागरता तो उपजती है। जिवें कोई कुदरती तौर पर बीमार है तो जिस दे अंदर मानसिक एकाग्रता आ गई, तो तंदुरुस्ती का कोई वाक कह देवे तो उस वेले तंदुरुस्त हो जाएगा। सो यह जिहड़ी मानसिक शक्ति है वह कुदरती नियमों से पारू हो सकती है। जेकर नज़र लगन के अचंभे नूं आम मनिया जाता है तो मन की शक्ति द्वारा वरसराप ते रिधियां सिधियां का प्रगटावा भी सही होता है। यह दामनिक शक्ति मन की एकाग्रता तो उपजती है, ते जेकर यह मानसिक शक्ति कुदरत दे उपर हावी होके कुदरत दे नियम बदल सकती है तो इसका असर दूजे कमजोर मना ते भी होना लाजमी है। यह मानसिक शक्ति एकाग्रता ते सिमरन द्वारा बेअंत दर्जे ताई वधाई जा सकती है। यह मानसिक शक्ति दूजे मना नूं कायल करन जां बदलन जां प्रचार करन लई बहुत ही सोखा, सादा ते छेती असर करन वाला साधन है। इस तरह जद असी किसे दी संगत करदे हां तां साडे मनां दा एक दूसरे ते असर पैना जरूरी है। कमाए होए एकाग्र मन दा वधेरे शक्तिमान होण करके दूजे कमजोर मनां ते असर होना अवश्य ते लाजमी है। सो ख्यालां जां निश्चयां दे बदल जाण दी तब्दीली हेठ लिखियां असूलां ते निर्भर है।
पहलाता है प्रचार दे निश्चयां जां शरदा दी दृढ़ता। जे असीं चाहुंदे हां कि ख्यालां विच तब्दीली आवे तां इह चार नुक्ते हन। पहला तां है प्रचारक दे निश्चयां जां शरदा दी दृढ़ता। इस विच प्रचारकां दा जो फर्ज़ बनदा है उह दर्शाया गया है। दूसरा है जग्यासु दे मन दी रंगत ते तीसरा है जग्यासु दे मन दी ग्रहण करन दी शक्ति। ये दोनों फर्ज जग्यासु दे बनते हैं। ते चौथा है प्रचार दे साधन दी प्रणाली, ओ प्रणाली जो सतगुरां ने सानू तुट के बख्शी। सो सब तो पहला सी हुण प्रचारक दे निश्चयां जां शरदा दी दृढ़ता दा जिक्र करदे हां। प्रचारकां दे प्रचार दा असर उन्हां दी रहणी बहणी ते जीवन ते निर्भर है। जेकर उन्हां दा तन मन चित बुद्धि ते आत्मा इक सुर विच होण तां ही उन्हां दे हिरदे विच शरदा भावनी ते दृढ़ता आ सकदी है ते उन्हां दी कहणी रहणी दा असर दूजिआं ते पैणा वश है। जे उन्हां दा तन मन चित बुद्धि ते आत्मा ए पंजो इक सुर विच होण तां ही उह जी शरदा पावनी उस प्रचारक दे अंदर आ सकदी है जिस दा असर दूजिआं ते पैंदा है। पर साडी की हालत है? साडी तां मन होर मुखोर वाली दशा होण करके साडा बोलिया चालिया सुनाया बिरथा जांदा है ते थां ही नहीं पैंदा। जेकर माड़ा मोटा असर पैंदा है तां उह भी थोड़े चिर लई ओपरा जिहा ही आउंदा है ते स्रोतियां दे डूंघे निश्चयां नूं बदल नहीं सकदा। साडा प्रचार बुद्धि मंडल विचों ही उपजा होण करके उसका असर भी बुद्धि मंडल तां ही सीमित रहिंदा है जो कि छिन मात्र ओपरा जिहा हुंदा है ते साडे डूंघे मन अंतशकरण जां जीवन नूं नहीं छोंदा। मानसिक विज्ञानियां ने नतीजा कढ़िया है कि साडा मन जो असर बाहरों लैंदा है उस विच 90% शख्सी संगत दी छोर दा असर हुंदा है ते बाकी सिर्फ 10% असर ही लिखती जां जबानी प्रचार दा हो सकदा है। ध्यान देना जी, जिवें असीं किसे लोभी कोल चले गए ते उसने सानू कोई उपदेश दिता, उह जिहड़ा उपदेश देगा कमाया तां जीवन विच उसने लोभ है, 10% असर उसदे कहण दा होएगा ते 90% उसदे लोभ दा जो उसने कमाया है उसका असर साढ़े मन ते पवेगा। क्योंकि जो कुछ उसने शख्सी जीवन विच कमाया है उसका असर साढ़े ते 90% पैंदा है, विज्ञानियों ने खोज कर दिती है। इस तरह जिवें हुण असी संगत विच आए हाँ, इत्थे जो कुछ बोलिया या सुनिया जाता है इसका सिर्फ 10% असर है, पर इस संगत ते जो कला वरत रही है उसका 90% चुप चुपीते असर साढ़े मन ते हुंदा है। पर इस गल दा जाहिरा सबूत यह है कि असी पाठ पूजा लैक्चर कथा आदि बहुत सुनदे ते सुणाउंदे हां ते बेअंत धार्मिक किताबां पढ़दे हां, पर साडे मना ते बहुत घट असर आउंदा है जां थोड़े चिर लई ओपरा जिहा आउंदा है ते इतना पढ़ सुन के भी साडे जीवन विच कोई खास तब्दीली नहीं आउंदी। क्यों? कि सब दिमागी तौर वालियां किताबां पढ़दे हां ते प्रचार भी उन्हां दा ही सुनदे हां जिन्हां दे अपना कोई जीवन है ही नहीं। पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले उस। पढ़ना गुणना संसार की कार है, अंदर तृष्णा विकार, पढ़िए मैल ना उतरे पुछो ज्ञानिया जाए। सो ये प्रचारकां दा फर्ज बनता है कि जे वो चाहते हैं कि दूजियां ते असर होवे 100% असर होवे ता फिर उन्हां दा तन मन बुद्धि चित आत्मा एक सुर विच होनी चाहीदी है कि उन्हां दे शख्सी जीवन दा 90% असर भी पवे ते 10% उन्हां दा बोलिया असर भी पवे। हुण जग्यासुआं दा की फर्ज बनता है जो असी सारे सुनन आउंदे हां संगत विच लाहा लैण, साडा की फर्ज बनता है? रेडियो स्टेशन तो किसे खास मीटर ते आवाज चलदी है ते उसे ही मीटर ते असी अपने रेडियो नूं सुर करदे हां तां ही उह आवाज़ सुनाई देंदी है। जेकर साडा रेडियो विगड़िया होवे जां संबंध अथवा कनैक्शन विच नुक्स पै जावे तां उसे मीटर ते हुंदिआं भी साडा रेडियो नहीं बोलदा ते जां आवाज़ धीमी जां बेसुरी होवेगी। जेकर इस आवाज़ दी वेव लंबाई दी शक्ति तीव्र होवे तां उह पुलाड़ नूं चीर के बहुत दूर तक अपना असर पाउंदी है।
यही विज्ञानक असूल साढ़े ख्यालां जा मना ते कम करदा है। जिस मीटर ते साढ़े ख्याल साढ़े अंदर ख्याल कम करदे हन उसे मीटर ते किसे दूजे मन ते उसका असर आंदा है। कमाए हुए शक्तिमान मन तो उपजे हुए ख्याल कमजोर मनाते सहज सुभाई डूंगा ते पक्का असर पाउंदे हन। पर कई वारी वायुमंडल खराब होण करके रेडियो दी आवाज विच विघन पै जांदा है ते चंगी तरह साफ सुनाई नहीं देंदा। इसे तरह जेकर साडे मन विच ख्यालां दा कड़मस पिया होवे तां भी दूजे दे दामने ख्यालां दा असर भी घट जां गंदला हो सकदा है। कोई कमाई हुई शख्सियत भी कोई बचन उचारे जे साडे अपने अंदर ख्यालां दा कड़मस मचिया पिया है तां भी उसका असर नहीं आउंदा। एक उदाहरण, जेकर लोहे नूं जंगाल लग्या होवे तां उस उते चुंबक दा घट जां उका ही असर नहीं पैंदा ते उह खिंचिया नहीं जांदा। इसे तरह जेकर लोहे नूं कोई पाण चढ़ी होई होवे तां भी उस उते कोई होर रंग नहीं चढ़ सकदा। अस्थूल चीजां दे असर लैण दा इह असूल ख्यालां ते होर भी सूखम ते डूंघे तौर ते वरदा है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्या खनली तोती उजली ना हो वई जेसो तोवण पाओ। साडे मना ते जन्मा जन्मांतरा तो मैल जा जंगाल दियां तहां चढ़ियां होईयां हन। इसलिए उस उते कोमल दैवी रंग चढ़ना संभव नहीं ता मुश्किल जरूर है। ध्यान देना जी, लोहे नूं जंग लग्या होवे चुंबक दा असर किवें होवेगा, नहीं हो सकदा। इसे तरह साडे मन ते इक तां कई जन्मां तो मैलां दियां तहां चढ़ियां होईयां ने, इक नहीं कई तहां चढ़ियां होईयां हन। इसलिए इस उते कोमल रंग चढ़ना संभव नहीं ता मुश्किल जरूर है। साडे मन ते पिछले जन्मां दे संस्कारां दे इस गूढ़े रंग तो इलावा इस जन्म विच भी तरह तरह दी संगत द्वारा खास निश्चयां दी पाण इन्नी तीबर चढ़ी हुई है कि असी होर किसे नवे ख्याल दा असर लैण तो असमर्थ हां जा तैयार ही नहीं हां। ते जिवें असी पढ़िया कि लोहे ते पाण चढ़ी होवे तां भी रंग नहीं चढ़दा, सो मैल तो इलावा साडे मना ते कोई खास किस्म दी बार बार संगत नूं दौड़ा के एक निश्चा बना लिया अपना, भावे ओ निश्चा गलत भी है पर होर असी असर कबूल करन नूं तैयार ही नहीं, उसे दृढ़ निश्चय विच असी जीवन बतीत कर रहे हां। सो पाण भी चढ़ी हुई है ते मैल भी है। सो इसे तरह कई वारी असी अपने पुराने दृढ़ निश्चयां दी कैद विच होंदे हां ते इस ख्याली कोठड़ी विच इतने संतुष्ट अभिमानी हो जांदे हां कि होर किसे दी कोई चंगी जां लाभदायक गल सुनन लई भी तैयार नहीं होंदे, बल्कि अपने अधूरे गंदले निश्चयां नूं होरना ते जबरदस्ती ठोसना चाहुंदे हां। इसे करके संसार विच धर्म दे नां उते इतने वाद विवाद तवसब किरना झगड़े लड़ाइयां ते जुल्म होंदे हां। इतना जबरदस्त तो कैद है गलत निश्चय दी कि कोई चंगा निश्चा साडे सामने आवे उसका असर तो लैंदे नहीं, असी ये चाहते हाँ कि साडा निश्चा वह कबूले। इसे करके तो लड़ाइया झगड़े होंदे हन। सो ये जन्मा जन्मांतरा की मैल जिहड़ी असी चाड़ी है ते ये गलत निश्चयां की पाण जां आपू घड़ी ख्याली कैद विचों निकलण लई बहुत समां ते उदम की लोड़ है। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਘੋੜਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਛੇਤੀ ਉੱਡ ਪੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੰਗਤ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਖਿਚੀਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਤਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ते नाल उतां तकन दी शक्ति भी होवे। इसे तरह साडे मन दी रुचि माया दी आकर्षण शक्ति द्वारा हेठां नूं सहज सुभाई खिंचींदी जा रही है। अपने आप माया विच बड़ी शक्ति है, इसलिए मन अपनी रंगत अनुसार नीवे मायकी असर तां छेती ग्रहण करदा है, पर उच्चे दैवी असर ग्रहण करन लई तीबर इच्छा उद्यम दृढ़ता ते कालना दी लोड़ है, जो कि दामन एक उच्ची सात संगत दी प्रेरणा ते सहायता तो बिना अपने आप हो ही नहीं सकती। माया दी शक्ति तो जे उल्ट कोई काम करना है, आत्मक कर्म करना है, तो फिर एक तो दामनिक शक्ति वाले गुरमुख प्यारियां दी संगत दी लोड़ है, तो दूसरा सानू तीबर इच्छा उद्यम ते दृढ़ता ते बहुत कालना दी लोड़ है। पर एक नुक्ता है, जिस तरह मिकनातीस दी खिच लोहे दी ग्रहण शक्ति ते निर्भर है, इसे तरह सात संगत जब गुरबाणी दा असर कबूल करना साडे मन दी ग्रहण शक्ति ते निर्भर है। साडे मन विच जितनी ग्रहण करन दी शक्ति होवेगी उतना ही असर असी सात संगत तो लवांगे, उतना ही असर गुरबाणी तो। इस तरह जिवें कि कोई जे चार जग्यासु अलग अलग रंगत वाले किसे गुरमुख प्यारे कोल उन्हां दी परसनल छोस नूं प्राप्त होवे या उन्हां दी शख्सियत दी हजूरी विच बैठे होण, तां जिस जग्यासु दी मन दी रंगत साफ होएगी उस ते इतना दामनिक असर होवेगा कि वह एकदम लोटपोट हो जाएगा, ते जिस दी रंगत मैली होएगी उन्हां उस ते गुरमुख प्यारियां दे दर्शनां दा भी कोई असर नहीं होएगा, पर जिस दी थोड़ी साफ होएगी उस ते माड़ा मोटा ठंड या दिलासा मिलेगा। इसे तरह असीं संगत विच वी देख लैंदे हाँ गुरबाणी दा असर, गुरबाणी दी वर्खा हो रही है, हर तरह दे जग्यासु बैठे हन, पर जिसकी जिन्नी ग्रहण शक्ति है उतना ही असर लैंदा। कई तां वासियां लैंदे रहिंदे हन, पर कई वैराग विच आंदे हन, कोई आत्म रस माणदे हन। हुण इह ग्रहण शक्ति वधदी किवें है ते खत्म किवें आउंदी है। साडे मन ते जिन्नी मायकी मैल जंगाल अथवा दृढ़ होए गलत निश्चयां दी पाण चढ़े होएगी, उन्ना ही असी दैवी गुण जा आत्म रस ग्रहण करन तो असमर्थ होवांगे। ये जग्यासुआं वर कि जिस जग्यासु दे अंदर जितनी ज्यादा मायकी मैल होवेगी ते जितनी भी गलत निश्चयां दी पाण चढ़ी होवेगी, उतना ही उसकी असर करन दी जिहड़ी समर्था है वह घट होवेगी, लै नहीं सकेगा असर गुरबाणी का भी ते सात संगत का भी। ते ज्यों ज्यों साडा मन अते अंतशकरण निर्मल होंदा जावेगा, उसे तरह सात संगत ते गुरबाणी का असर लैण की शक्ति वधदी जावेगी। पोले पाए मिले रगराया, जिस भी जग्यासु दी अंतशकरण दी रंगत निर्मल होवेगी उह सात संगत विच आंदिआं ही उसते बहुत ही जबरदस्त असर होवेगा। पर असी पिछे देख लिया कि जिहड़ी कई जन्मां तो मैल चढ़ी है ते गलत निश्चयां दी पाण चढ़ी है, ये दो कारणां करके साडी ग्रहण शक्ति खत्म होई है। सो हुण असी करिए कि गुरबाणी विच सानू की हुकम है, जिहड़ी कम होना सी ता हो गया, अगों नू की करना है। सो गुरबाणी विच सब तो पहला तो सानू कुसंगत तो बचण दा प्रेरणा कीती गई है। क्यों? मैल चढ़दी है कुसंगत नाल, हर तरह दी कुसंगत तो सानू बचना चाहिदा है। वाशनावी कुसंगत जिवें अरकाम क्रोध लोभ मोहंकार या सुरी औगणा दी, ईरखा बखीली द्वैत रोसे गिले किरणा आदि, या नीवे मनोरंजना दी कुसंगत सिनेमा टीवी शराब फालतू दी गप शप, ये सब तरह दी कुसंगत तो सानू बचण दा ताकीदी हुक्म है पहला। दूसरा, पाण चढ़ी है गलत निश्चयां दी, ओ किस नाल चढ़ी है? उक्तियां जुक्तियां सियाणपां नाल। सो दूसरा उपदेश गुरबाणी दा है, सानू बुद्धि दियां उक्तियां जुक्तियां ते सियाणपां तो वरज्या गया है। सो गुरमुख प्यारे ने हुक्म दे लेख विच स्पष्ट कीता है कि सियाणपां तो किवें बचना है। संखेप तौर ते ए है कि अपनी मत त्याग के गुरु दी मत ग्रहण करनी है, ते गुरु दी मत है गुरबाणी, गुरबाणी अनुसार जो सानू कवे ओ हुक्म मनणे, इस तरह असीं सियाणपां दा त्याग कर सकांगे। सो जदों जग्यासु ये दो कम तैयारी करके आउंदा है, एक तां कुसंगत तो अपना बचाव रखदा है हर तरह दी कुसंगत तो, दूसरा अपनी मत त्याग के गुरु दी मत लैके सात संगत विच आंदा है, त
ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਗਿਆਸੂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਤਜੋ ਸਿਆਣਪ ਸੁਰਜਨੋ ਸਿਮਰੋ ਹਰ ਹਰ ਰਾਏ, ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਕਤੀਆਂ ਬੁੱਧੀਆਂ ਤੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਕਿਤਨਾ ਰਸ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਤੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮੀਪਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੋਹ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਤਨੇ ਭਾਂਤ ਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਲਕਤ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਫਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਈਰਖਾ ਦਵੈਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਮਚਾਏ ਹੋਏ ਪਾਂਬੜ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਵਾਉ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ ਰਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਰੂਪੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਲਈ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਇਲਾਹੀ ਗੋਦ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ, ਪੈਗੰਬਰ, ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਰਚ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਉ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਆਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸ਼ੰਕੇ ਪਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੇ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਈਰਖਾ, ਦੁਆ, ਤਵਸਬ, ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਅਸੂਰੀ ਔਗਣ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਅਧੋਗਤੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਖਾ, ਦੁਆਤ, ਨਫ਼ਰਤ, ਸਾੜਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਇਆ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਉ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਤਮਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਾਈਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਗਏ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਸ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਆਤਮਕ ਤੱਤ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਦਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਆਤਮਕ ਤੱਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝਣੀ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਪਰਮਾਰਥ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਆਤਮਕ ਫਲਦਾਤੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਹੀਣ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਲਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਸਮਝਣੀ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਸਾਡੀ ਕਾਲਣਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲਣਾ ਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਧੋਗਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
सो उपरली सारी विचार ये धर्म संबंधी मानसिक अते दिमागी क्रिया ताई सीमित है। जो त्रै गुणा दे दायरे अंदर माइकी मंडल दी खेल है ते होंदे परछावे हेठ कर्म जा जतन हन त्रै गुणा तो परे हों रहत आत्मक खेल होरवे है। सो हुण असी उस प्रणाली दा जिक्र करांगे जो गुरु साहिबान ने सानू बख्शी धर्म प्रचार दी जबरदस्त प्रणाली। वो की है? वो गुरमुख प्यारियां दी संगत, कमाए हुए सिमरन वालियां दी संगत। जदों असी इना कमाए हुए सिमरन वाले ध्यान देना जी, साध संगत ओ जिहड़े नाम अभ्यास सच्चे दिलों करदे हन, जिन्हां दे अंदर कोई आत्मक कला वापरदी है, उन्हां दी कमाए हुए शख्सियत दी जदों असी संगत करदे हां, उन्हां दी संगत विच आके बैठदे हां, तां की हुंदा है कि सिमरन वाले कमाए हुए मन दियां तीखण सूखम किरणां दा एक दूजे ते बिन बोले अनजाणे सहज सुभाए आप मुहारे असर हो जांदा है। छो जिस दी बाबत दोहां तेरां नूं पता नहीं लगदा कि उन्हां दी अंतरात्मे लेवा देवी दा जावणज कदों ते किस तरह हो गया। ध्यान देना जी, शुरू तो असी पढ़िया कि 90% असर तां छो दा हुंदा है। सो जदों भी असी कमाए हुए सिमरन वालियां दी संगत विच आ के बैठदे हां तां उह जिहड़े सिमरन करदे हन उन्हां दे अंदरों कोई किरणा निकल के साडे अंदर तसदियां हन। कदों तसदियां हन पता नहीं चलदा, समय दा पता नहीं चलदा, सवेर के शाम किहड़े दिन ये कुछ पता नहीं चलदा, किस तरह तसदियां हन ये भी पता नहीं चलदा। समा भी नियत नहीं है, क्योंकि असी पढ़ लिया कि हर एक दी ग्रहण शक्ति अलग अलग है। जिसका मन निर्मल है उसते छो दा असर जल्दी आता है, तो जिसका मैला है पहले मैल उतरती है फिर छो दा असर आता है। पर छो दा असर गुरमुख प्यारियां दी संगत विच हुंदा जरूर है। कुछ समा जदों असी संगत करदे हां करदे हां करदे हां, कुछ अरसे बाद जदों असी अपने जीवन वल वेखदे हां तो यह महसूस करदे हां कि साडे पिछले होमे वेड़े जीवन विच अचानक कोई तब्दीली आ गई है, क्योंकि साडे जीवन विच कोई नवी रोशनी, कोई नवा अनुभव, कोई नवा रंग, कोई नवी खुशी, कोई नवा चाव, कोई नवा हुलास, कोई नवी श्रद्धा, कोई नवी भावना, कोई नवा प्रेम रस, कोई नवी मस्ती, कोई नवी जीवन रौ ते शब्द दी चुनकार ताने पेटे ओत पोत विच तस वस रस के प्रवेश हो गए हैं। सो एहो जे जग्यासु दा आत्मक जीवन विच एक नवा जन्म हो जाता है ते ओ हुण रब्बी रंग नाल सजाया होया खालसा बन जाता है। ये असर होंदा है साध संगत दा, पर हुंदा चुप चुपी ते है, पर कुछ अरसा आके बैठना पैंदा है मन नूं निर्मल करके। पूर्व कर्म अंकर जब प्रगट्यो पेट्यो पुरख प्रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत तर नानक जन्म जन्म की सोई जागी। साथ के संग नहीं कचकाल दर्शन पेटत ओत निहाल। कोई ज्यादा कालना दी लोड़ नहीं संगत। इसे करके गुरबाणी विच साथ संगत अथवा सत्संगत दी ताकीद दी प्रेरणा कीती गई है। मिल साथ संगत पज केवल ना, किरपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओ वधाई है त्यों त्यों हर सो रंग। जिवें जिवें वधावांगे साध संगत त्यों त्यों रंग चढ़दा ही जावे। साध संगत निहचो है तरना, गुरबाणी दा फरमान। सो आद तो ही ए अदृष्ट इलाही मर्यादा चली आ रही है साध संगत दी गुरु महाराज दे समय तो। इतिहास असी पढ़ते हाँ जदों गुरु नानक पातशाह किसी नूं नाम दी दात बख्श के गुरमुख पदवी ते पहुंचा देंदे सन तां उन्हां नूं धर्म प्रचार लई भेजदे सन, क्यों उन्हां नूं पता सी कि ये अपनी आत्मक जीवन दी छों नाल दूजे दा जीवन पलट देणगे। सो ये तां गुरु महाराज तो गुरमुख प्यारियां दी संगत दी साधन प्रणाली कम करदी आई है, ते हुण भी इहो दैवी मर्यादा गुप्तो गुप्ती कम कर रही है गुरमुख प्यारियां दी संगत। असल विच इह त्रै गुणा दे मानसिक मंडल तो उपर उठ के आत्मक प्रकाश मंडल वल चढ़ाई जां तब्दीली है। सो साडा धर्म प्रचार बुद्धि मंडल विचों उपजा होण करके सरोतियां दे बुद्धि मंडल ताईं कारगर हो सकदा है, ते बुद्धि मंडल जां त्रै गुणा दे दायरे तो उपर नहीं ले जा सकदा।
सिर्फ चौथे पदार्थमक मंडल दी दो जां छे दी दे सकदा है। त्रै गुणा तो उपर उठ के चौथे पद जां आत्म प्रकाश मंडल में दाखिल होण लई बारमुखी कर्म कांडी धर्म सहायक हो सकते हैं ते सेध देंदे हन। ये सफर तां है पर मंजिल नहीं। ये जड़ा बारमुखी प्रचार हो रहा है ये सिर्फ सानू इतना ज्ञान दे सकता है कोई आत्मक मंडल है तो उस वाल सानू उद्यम करना चाहिए है। बस उसकी टो या सेत उस वे दाखल नहीं करा सकता। ते आत्म प्रकाश जा नाम मंडल विच प्रवेश होण लई अनुभवी प्रकाश लाजमी है। ये अनुभवी प्रकाश सतगुरु दी दात छो बख्शिश ते गुरप्रसाद है। साडे कर्म कांडां दे आसरे जा जोर नाल इसकी प्राप्ति असंभव है। जोर न मंगण देण न जोर आपन लिया जे मिले तां सब को पागट होए। ध्यान देना जी ये जड़ा नाम दा मंडल है या गुरु नानक दे प्यार दे मंडल विच असी आत्म मंडल विच प्रवेश करना चाहते हाँ ये तो बख्शिश है तो कर्म कांडा नाल थोड़ी प्राप्त होता है पर इस बख्शिश भी तो कोई ना कोई कालना होनी है। हाँ हर एक नूं तां नहीं प्राप्त होंगी कालना भी है इसलिए वो की है कि ए इलाही दार छो जा खमीर लगातार सात संगत ते अतुट सिमरन की कमाई द्वारा गुर प्रसाद का फल है। ये बख्शिश तो है पर इसलिए कालना की है उस जग्यासु ते बख्शिश होंदी है जिड़ा लगातार सात संगत विच अतुट सिमरन कमाई करता है। दो लफज ध्यान देने जो एक लगातार सात संगत दे नाल लगातार है ये नहीं एक दो दिन दस पंद्रह दिन की संगत लगातार ते सिमरन भी अतुट ते जे पंद्रह मिनट सिमरन कर लिया दो घंटे गल्लां कर रही है ते अतुट तो ना हो गया तुट के तुट हो गया। तुट दा मतलब एक लड़ी सिमरन लगातार श्वास श्वास। सो ज्यों ज्यों असी गुरमुख प्यारियां दी संगत विच आ के अतुट सिमरन करांगे तां गुरु दी कृपा द्वारा सानू ओ छो प्राप्त होवेगी जिस तर ओ अनुभवी प्रकाश प्राप्त होवेगा जिस द्वारा असी नाम दे मंडल विच प्रवेश करांगे। अमृत छकावण दी मर्यादा इसे खमीर दे असूल दी लखाए करते प्रतीक है। जिहड़ा असी अमृत छकदे हां ओ भी इसे जीवन दे खमीर है। सो एहो ही असली दामनिक सदीवी जीवन बदलन वाला इलाही धर्म प्रचार है कि अपनी मन दी रंगत नू निर्मल बना के साथ संगत विच आके अतुट सिमरन करना यही प्रचार है। इलाही प्रचार दामनिक सदीवी तब्दीली लियाण वाला प्रचार। इस तो अलावा होर प्रचार इतने कारगर सिद्ध नहीं हो सकते। सो ये प्रचार दी जिहड़ी प्रणाली है तुरां तो इलाही हुकम अनुसार अदृष्ट चुप चुपी ते गुप्त ही वर्त रहा है। परमात्मा दे हुकम अनुसार हो रहा है काम। सो जद किसे अवलाखी जीव ते सतगुरु दी नदर करम होंदी है तो उस दे सूखम दिल दे किंगरिया नू जड़ टूंटदी है ते उस दे अंतरात्मे आपे ही सहज सुभाए इलाही राग दी धुनी छिड़ पैंदी है जिस नू सुन के उस दा मन अलमस्त मतवारा होके क्या उठदा है अब मुझे जीवन मत पदवी पाई। ध्यान देना जी अब लाखी जग्यासु जिसने अपने कुसंगत तो बचाव कीता होए जिसने बुद्धि दियां स्याण प्रवक्तियां जुक्तियां तो अपने मन नू दूर रखिया होवे ते जिसने अपने अंतशकरण नू निर्मल कीता होवे ओ अब लाखी जग्यासु जदों सात संगत विच आ के प्यार नाल अतुट स्वार स्वार सिमरन करदा है उस अब लाखी जग्यासु ते सतगुरु दी कृपा दृष्टि आउंदी है ते उस दे अंतरात में कोई ऐसी इलाही तुनी बोल उठदी है जिसनु सुन के उस दा मन अलमस्त मरतवारा होके वो पुकार के कह उठदा है अब मोहे जीवन पदवी पाई अनहद तुनी मेरा मन मोहयो अचरज ताके स्वार। गुरबाणी विचार लेख नंबर 12 भाग 2 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की